नमस्कार न्यूज टाइम्स टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे दो महीने से बेड पर हैं। एक तरफ विधानसभा में देश के हर मुद्दे पर चर्चा हो रही है तो वहीं कांग्रेस का दिग्गज नेता राजनीतिज्ञ अशोक गहलोत घर बैठे बैठे विधानसभा और प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है उस पर नजर बनाए हुए हैं। भले ही गहलोत बेड रेस्ट पर हैं पर सियासी गलियारों में उनकी खूब चर्चा है। आइए जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद चोटिया ने अपने आर्टिकल में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर क्या कुछ लिखा है। राजनीति का ये घायल खिलाड़ी पूरे दो महीने से बेड पर है। चलते लोकसभा चुनाव में अशोक गहलोत जब व्हील चेयर पर बैठे हुए जयपुर एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो लोग बहुत ज्यादा चौके नहीं थे। फिर उन्होंने स्वयं जानकारी दी कि वे स्लिप डिस्क से पीड़ित हो गए हैं। तब भी कुछ लोगों ने कहा कि पॉलिटिकल पेन में है, लेकिन ये पॉलिटिकल पेन नहीं था। अशोक गहलोत सच में भीषण कमर दर्द से पीड़ित थे। किसी राजनेता के लिए अपने आप में बहुत पेनफुल होता है जब उसे बिस्तर पर रहना पड़े। राजनीति में घर बैठे रहने से बड़ी सजा कोई और नहीं हो सकती। हालांकि राजनीति के खेल में शरीर की कम और दिमाग की भूमिका ज्यादा होती, लेकिन शरीर की भूमिका भी होती तो है। स्वास्थ्य लाभ कर रहा नेता आमतौर पर तब चर्चा में आता है जब उससे कोई बड़ा या समकक्ष कुशल क्षेम पूछने आता है। तो ऐसे में प्रदेश के राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री तक और नेता प्रतिपक्ष से लेकर अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक सभी कुशल क्षेम पूछने गए और तस्वीरें भी आ गई। आने वालों से ज्यादा चर्चा उनकी होती है जो कुशल क्षेम पूछने नहीं आए, और वो भी जब न तो समकक्ष हो और न ही किसी बड़े पद पर हो। खैर, राजस्थान में ये सब चलता रहता है, लेकिन कुछ लोग जब ये कहते हैं कि जिंदगी भर जिनकी सेवा की, जिनको लाभान्वित किया, वे कोई भी हालचाल जानने नहीं आए तो थोड़ा अटपटा लगता है। न दिल्ली से, न उत्तर प्रदेश से। क्या ये दुनिया सच में है ही ऐसी? शायद ऐसी ही है, या शायद ऐसी नहीं। अब सवाल ये है कि गहलोत बिस्तर पर लेटे लेटे क्या सोचते होंगे? क्या वे विधानसभा की कार्रवाई देखते ही रहते होंगे? क्या वे ट्विटर को स्क्रॉल करते रहते हैं? क्या वे सचिन पायलट के बारे में सोचते रहते हैं? क्या वे लोकेश शर्मा के बारे में सोचते रहते हैं? क्या वे स्टाइन का उपयोग किसी पुस्तक को लिखने लिखवाने में कर रहे हैं? विधानसभा में तो इंटरेस्ट रहता ही होगा, क्योंकि इस बार सरकार नई और नई तरह की। कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है ये जानना जरूरी है, और जरूर रुचि रहती होगी ये जानने में। ट्विटर को तो स्क्रॉल करते ही होंगे क्योंकि उनके हैंडल से लगातार ट्वीट आते रहते हैं। भले ही ट्वीट की ड्राफ्टिंग उनकी टीम करती होगी, सचिन पायलट के नाम से भले ही वे असहज हो जाए, लेकिन टॉप ऑफ द माइंड तो वे रहते ही होंगे। उनके भविष्य को लेकर वे जरूर सोचते रहते होंगे और कुछ योजनाएं बुनते ही रहते होंगे। हमेशा इर्द गिर्द रहने वाले लोकेश शर्मा के बारे में तो सोचते ही रहते होंगे और अनायास ही कई बार अपने माथे पर हाथ रख देते होंगे। हाँ, अगर इस दौरान कोई पुस्तक लिख डाले तो ये बहुत उपयोगी होगा। उनके पास राजनीति का अथाह और लंबा अनुभव है। राजनीति के अनेक युग उन्होंने देखे हैं, अनेक नेताओं को बनते और मिटते उन्होंने देखा है। राजनीति को 360 डिग्री बदलते भी उन्होंने देखा है। अपनी पार्टी को अर्श पर भी देखा है और फर्श पर आते हुए भी देखा है। बस फिर से अंगड़ाई लेने के वक्त वे जश्न के साक्षी नहीं बन पाए, लेकिन दूर से तो देखा ही। अशोक गहलोत ने यह दावा किया हुआ है कि वे राजस्थान से अगले 20-25 वर्ष कहीं नहीं जाने वाले। हालांकि सूत्र कह रहे हैं कि फिलहाल दिल्ली उनका इंतजार कर रही है। वैसे भी वे दिल्ली के रास्ते ही पुनः राजस्थान लौटा करते हैं। बहरहाल, हम उनके शीघ्र स्वस्थ होकर काम पर लौटने की दुआ करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विधानसभा में उपस्थित होने का कांग्रेसी साथी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं जनता अपने प्रिय जननायक नेता गहलोत का विधानसभा में सवाल जवाब सुनने को बेताब। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज टाइम टुडे के साथ। हम और भी ताजा तरीन खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।